वेलकम बैक गाइस। अब यार ऐश ने अपनी इतनी बड़ी पोकेमॉन जर्नी में काफी बार ऐसा कुछ किया है जो कि हम लोग देख के बोलते हैं कि यार ऐश को ये नहीं करना चाहिए था यार, अगर हम लोग ऐश की जगह होते तो हम ये नहीं करते। तो होता है ना ऐसा काफी बार। तो आज की वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ कि क्या होता अगर मैं ऐश का चम होता। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं अपने पॉइंट्स बताऊंगा कि अगर मैं ऐश होता तो भाई क्या करता मैं वो जर्नी में पूरी में क्या करता। तो ऐसे काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक जरूर देखना। और हाँ, सेकंड चैनल के बारे में अगर तुम नहीं जानते तो भाई उसको जाके सब्सक्राइब करो और यूनाइट की वीडियो जरूर देख लेना। ये वाली उसकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। अब चलो टाइम पास के बिना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर मैं ऐश कचम होता सबसे पहली चीज जो मैं करता वो ये है कि भाई मैं शांति से सो जाता। सब लोग को याद ही होगा भाई रात में ऐश ने क्या किया था, वो बस ऐसे ही सपने देखता रह गया कि भाई उसको कौन सा स्टार्टर चुनना है, ये करना है। वो इतना एक्साइटेड था वो कि भाई रात भर वो सो ही नहीं पाया और फिर इतना लेट सोया और सुबह भी इतना लेट उठा। और भाई लेट उठने की वजह से बेइज्जती तो उसकी हुई हुई, ऊपर से उसको स्टार्टर चाहिए था यानी कि स्कोटल, वो भी नहीं मिल पाया। तो अगर मैं ऐश कचम होता भाई बिना एक्साइटेड हुए शांति से मैं सो जाता उस रात को और फिर अगले दिन उठ के मैं अपना स्टार्टर पोकेमॉन चुनने जाता। और अब यार मैं जल्दी उठ गया हूँ तो ऑब्वियसली अब मेरे सामने तीन ऑप्शन है कि मेरे को क्या चुनना है, स्क्वर्टल, चार्मेंडर या बल्बसॉर। ऐश तो भाई स्क्वर्टल चुनना चाहता था लेकिन मैं ऐसा नहीं करता भाई, मैं चुनता चार्मेंडर को। यार सही में चार्जर इतना सही लगता है भाई, चार्जर की पीठ पे बैठ के घूमना किसको नहीं पसंद। तो अगर मैं ऐश होता ना तो भाई मैं वही वाला चार्मेंडर ले लेता, अपना स्टार्टर पोकेमॉन चुन लेता चार्मेंडर को। और यार ट्रैवल करने के लिए एक चीज़ काफ़ी सही होती है कि भाई मैं गैरी को अपना दुश्मन नहीं बनाता, मतलब राइवल नहीं बनाता, मैं भाई उसको अपना दोस्त बना लेता जिससे कि भाई वो अपनी गाड़ी में मेरे को घुमाता रहे, मज़ा आ जाएगा भाई उसी की गाड़ी में बैठ के ट्रैवल करते रहेंगे। ओके, ये थोड़ा मजाक था भाई, मजाक से हटके वैसे सही बताए तो भाई ट्रैवल करने में असली मज़ा आता है। मतलब जो चल के भाई ऐश अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करता था उसमें भाई डेफिनेटली एक गाड़ी में बैठने से ज़्यादा मज़ा आता है। अब यार मैंने पिकाचू नहीं लिया ना तो एक काफ़ी बड़ा चेंज आता था स्टोरी में कि भाई हमको मिस्टी कभी मिलने ही नहीं वाली थी, जैसे कि भाई वो पानी में गिर के मिस्टी से मिलता है वो कभी होता ही नहीं क्योंकि पिकाचू तो है ही नहीं भाई हमारे साथ में, तो वो सब गड़बड़ भी नहीं होती। तो हाँ, इन शॉर्ट भाई मिस्टी हमारे साथ जर्नी में नहीं होती। ब्रॉक तो तब भी होता, ब्रॉक का भाई ऐसे कोई लेना देना नहीं था खास ऐसे स्टोरी से, पिकाचू वाली से। तो ब्रॉक के साथ हम ट्रैवल करते पूरे कैंटो में। और हाँ, ऐसा मत सोचो कि भाई अगर मैंने अब चार्मेंडर को अपना स्टार्टर ले लिया है तो वहाँ पे जो डैमियन का चार्मेंडर मिलता है ऐश को, जो कि अभी ऐश का चारिज़ार्ड है इतना पावरफुल, उसको मैं छोड़ दूंगा भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं उसको तो डेफिनेटली पकड़ूंगा ही पकड़ूंगा। मेरे पास भाई फिर दो चार्मेंडर हो जाएंगे और मैं दोनों को इवॉल्व करूंगा, ऐश की तरह नहीं करने वाला भाई, मैं दोनों को बिल्कुल इवॉल्व करूंगा, फुल्ली इवॉल्व चारिज़ार्ड बनाऊंगा। और ऐश ने तो भाई मेगा इवॉल्व अब तक सिर्फ एक को किया है, लुकारियो को। मैं लेकिन भाई इन दोनों को मेगा इवॉल्व करता, एक को बनाता मेगा चारिज़ार्ड एक्स और एक को बनाता मेगा चारिज़ार्ड वाई। मतलब लिटरली यार सोचो, तुम एक ट्रेनर हो और तुम्हारे एक साइड में खड़ा हुआ है मेगा चार्जर वाई और एक साइड में मेगा चार्जर एक्स। भाई कोई बंदा चैलेंज करने की हिम्मत भी नहीं रखेगा भाई, जिम लीडर खुद ही डर के मेरे को बैच दे देगा सही में भाई, इतनी तगड़ी टीम हो जाएगी हमारी। और हाँ, अगर मैं ऐश कचम होता तो भाई मैं एक चीज़ ज़रूर करता कि मैं ज़रा लॉजिकल तरीके से बैटल करता, यानी कि जैसे ऐश करता है कि भाई किसी पोकेमॉन को भी किसी के सामने भेज देगा, वैसे नहीं, पोकेमॉन कंपनी ने भाई जो इतनी मेहनत करके टाइप मैचअप बनाए हैं मैं ज़रा उनका भी यूज़ करता बैटल में और सही से बैटल करता और गज़ब बैटल जीतता भाई, डेफिनेटली भाई मज़ा आता ऐसे तो। इसके अलावा एक जो है भाई मैं अपने पोकेमॉन्स को सही से इवॉल्व करता। हम जैसे कि जानते हैं भाई लोगों की इतनी कंप्लेंट रहती है सारे फैंस की कि भाई पोकेमॉन्स को इवॉल्व ही नहीं करता है ऐश, उसने लिटरली इतने बढ़िया बढ़िया पोकेमॉन्स को छोड़ रखा है बिना इवॉल्व किए। मतलब कह सकते हो कि भाई उसके घर में उसके इतने अच्छे पोकेमॉन्स पड़े हुए लेकिन वो जा रहा है भाई कहीं और ही अलग ही पोकेमॉन्स की तलाश में, वो क्या क्या पकड़ रहा है। उससे अच्छा भाई उसको इतने सही सही पोकेमॉन्स उसके पुराने वाले हैं उनको भाई वापस बुलाना चाहिए, उनको इवॉल्व करना चाहिए भाई, उसकी टीम जो बन जाएगी ना। एग्जाम्पल के लिए भाई सबसे पहले मैं लेता गिबल को। भाई गिबल ऐसा एक पोकेमॉन है जिसको अगर तुमने इवॉल्व कर दिया ना एक बार मेहनत करके भाई वो बीस्ट बन जाता है। गार्चोम सबको पता होगा कितना पावरफुल है, और यार ऐसे पोकेमॉन को ऐश ने छोड़ दिया था। तो मैं अगर ऐश कचम होना तो भाई मैं डेफिनेटली गिबल को लूंगा और उसको इवॉल्व करूंगा कुछ भी करके गार्चोम में। और यार सिर्फ गिबल नहीं भाई, इतने सारे पोकेमॉन है जैसे स्कोटल, स्कोटल को भी जहाँ तक मुझे याद है कोई दिक्कत नहीं थी एवोल्यूशन से, तो मैं डेफिनेटली उसको भी इवॉल्व कर डालता। और भाई टोटोडाइल, टोटोडाइल भाई फरालीगेटर बनता है इतना सही, सेंडेक्विल या फिर हम कह सकते हैं क्विलावा वो बनता है टाइफलॉजियन। तो उसके बाद इतने सही सही पोकेमॉन है जिनको वो थोड़ा और यूज़ करे तो भाई कितना सही बन जाएंगे वो फाइनल स्टेज में। तो मैं लिटरली इन सब पोकेमॉन्स को फाइनल स्टेज पर ले आता, अपनी पूरी टीम भाई फाइनल स्टेज वाली रखता। बस ऐसा नहीं है कि भाई मैं भी बिल्कुल एकदम जबरदस्ती पोकेमॉन्स को इवॉल्व कर देता, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ जो पोकेमॉन इवॉल्व होना चाहते हैं भाई उनको तो डेफिनेटली कर देता, वरना ऐश तो भाई वो भी नहीं करता, जो इवॉल्व होना चाहते हैं उनको भी नहीं करता बिल्कुल भी। मैं यार इसलिए सब पे ध्यान देता जिनको मैंने पकड़ रखा है और उन सबको इवॉल्व कर देता। तो हाँ, ये काफी सही पॉइंट रहता है एक। और एक बहुत बड़ी गलती जो ऐश ने करी है और मैं नहीं करता अगर मैं ऐश कचम होता, जो कि है चार्जर्ड को इंडिगो लीग में लेके जाना और उसको निकालना भाई इंडिगो लीग में। मैं पहले तो भाई चार्जर्ड को इंडिगो लीग लेके ही नहीं जाता और ऊपर से भाई उसको कभी उस बैटल में निकालता ही नहीं, रिची वाली बैटल में, क्योंकि भाई लिटरली ऐश के पास और भी चॉइसेस थी, वो किसी और को निकाल सकता था लेकिन उसने निकाला चार्जर्ड को जो कि उसकी बात भी नहीं मानता।
अब यार ऐश चार्जर का ट्रेनर है तो उसको इतना तो ऑब्जर्व करना चाहिए कि भाई चार्जर जो है वो सिर्फ अपनी टक्कर वाले पोकेमोन से लड़ता है, और ये पहले उसके साथ हो चुका है 2-3 बार, तो उसको समझ जाना चाहिए कि वो अपनी टक्कर वाले पोकेमोन से ही लड़ता है सिर्फ, जैसे कि जो मैगमार था उससे वो लड़ा था। तो भाई रिची का एक भी पोकेमोन उसकी टक्कर का नहीं था चार्जर का, इसीलिए भाई वो नहीं लड़ा, उसको बोरिंग लगी बैटल। तो ऐश को ये पहले से पता रहना चाहिए था कि भाई ऐसा नहीं है, भाई चार्जर नहीं लड़ने वाला, तो उसको निकालना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं ऐश कहते होता मैं डेफिनेटली इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता और भाई चार्जर को निकालता ही नहीं बिल्कुल भी, अपने किसी और पोकेमोन को भेज देता एटलीस्ट भाई कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी यूज करके हम हरा देते। वैसे भी सब लोग जानते हैं रिची भाई इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेनर नहीं था कि भाई उससे एक लीग में हारा जाए। और हाँ बैटल के बीच में मैं एक और चीज़ जरूर करता कि भाई रेफरी के पास जाकर उसको बहुत ज़्यादा पीटता, क्योंकि भाई वो लिटरली बंदा चीटिंग करता है भाई, रिची ने पैसे दे रखे तो उसको पक्का, क्योंकि बैटल में अगर एक पोकेमॉन सोता है तो भाई वो आउट नहीं माना जाता, वो नहीं हारा हुआ माना जाता, लेकिन भाई वो स्कोटल को आउट करवा देता है मैच से, जबकि भाई अलोला लीग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, राउलेट भी सो गया था लेकिन वो आउट नहीं हुआ था, वो रेफरी सच्चा था भाई अलोला वाला, लेकिन भाई ये इंडिगो वाले ने पैसे खाए थे तो मैं ज़रूर इसको पीट देता भाई वहीं पर। और एक बहुत ज़रा मेन चीज़ कि भाई मैं अपने बहुत सारे पोकेमॉन्स को रिलीज़ नहीं करता। अब देखो कुछ पोकेमॉन का रिलीज़ होना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे कि ग्रेनिंजा, उसको भाई होना पड़ता यार, उसका बहुत इंपॉर्टेंट था रिलीज़ होना, तो ऐश ने उसको किया तो वो एक तरह से सही था, लेकिन काफ़ी सारे पोकेमॉन जैसे कि प्राइमेप मान लो भाई, वो लिटरली एंथनी ने ठग लिया था ऐश को भाई, उसका पोकेमॉन चुरा लिया उसने प्राइमेप, वो ट्रेनिंग के नाम पर भाई हमेशा अपने पास ही रख लिया उसने, तो अगर मैं होता भाई प्राइमेप उसको कभी नहीं देता, भाई ट्रेनिंग करनी है प्राइमेप को मैं करवा दूंगा लेकिन इस बंदे को कभी नहीं दूंगा। अब आते हैं जरा करेंटली गलार पे, अभी जहाँ पे ऐश ट्रैवल कर रहा है चलो हम भी जरा वहीं पे ट्रैवल करते हैं। अब यार मैं अगर ऐश कचम होता और गो के साथ गलार में ऐसे ट्रैवल कर रहा होता अभी पोकेमॉन जर्नीज में, तो वहाँ पे यार जैसे गो कर रहा है ना कि वो हर पोकेमॉन को कैच करता रहता है जब भी उसको दिखता है, तो भाई वैसा ही बिल्कुल मैं करता, क्योंकि भाई गो एक्चुअली में भाई इतने सही सही पोकेमॉन कैच कर लेता है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि भाई वो बहुत बकवास पकड़ रहा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स भी कैच कर लेता है, इवन भाई उसने शाइनी भी पकड़ रखा है। तो यार अगर मैं ऐश कचम होता भाई मैं लिटरली गो से भी पहले जाता और पकड़ लेता उस पोकेमॉन को, भाई गो तक को नहीं पकड़ने देता, और भाई गो तो लेजेंडरी भी पकड़ लेता है, और जब गो भाई इटर्निटस वाली पोकेबॉल निकालता भाई वहीं पे मैं अपनी पोकेबॉल निकालता कि भाई मैं यूज़ करूँगा अपनी पोकेबॉल को, और मैं अपनी से पकड़ता भाई इटर्निटस को लिटरली। भाई सही में बंदा इतनी बार पागल बनाता है ना ऐश को, इतने अच्छे अच्छे पोकेमॉन पकड़ ले जाता है भाई ऐश को पागल बना के, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देता भाई, मैं खुद पकड़ लेता उन सब पोकेमॉन्स को, और सुईकून वाले टाइम पे भाई मैं पकड़ता सुईकून को उसको बचाने के लिए, मतलब लिटरली गो को कुछ दो ही मत भाई बेसिकली ये करता मैं तो। और भाई गो तो अभी नया नया लेजेंडरी से मिल रहा है भाई, अपना ऐश पहले से इतने सारे लेजेंडरी से मिल चुका है, तो यार उसके पास तो इतने ज़्यादा चांसेस थे पकड़ने के लेजेंडरीज को, हालांकि हाँ वो अलग बात है कि पकड़ने में आए ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन ट्राई तो भाई करना बनता है, और जो कि ऐश ने कभी नहीं किया। अगर मैं ऐश कचम होता तो भाई मैं ज़रूर ट्राई करता लेजेंडरीज को कैच करने का, पहले बाद में बोलो मेरे को मार देते, लेकिन एटलीस्ट एक बार ट्राई करने में क्या जाता है भाई वो, क्योंकि भाई ऐश सारे के सारे लेजेंडरीज से मिल चुका है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के, तो उसके पास काफ़ी बार एक्चुअली चांस था कि वो पकड़ सकता है किसी लेजेंडरी को, और वो लेजेंडरी पोकेमॉन खुद भी उसको पसंद करने लग जाता है उस टाइम पे, मतलब हाँ वो उसका पोकेमॉन बन सकता है, लेकिन तब भी ऐश उसको नहीं पकड़ता। तो अगर मैं ऐश के जम होता डेफिनेटली भाई उनको पकड़ लेता, मतलब भाई गो की तरह बनो यार, उसको चांस मिला सुईकून को कैच करने का, भाई बंदे ने एक सेकंड नहीं लिया सीधा पकड़ लिया, तो हाँ डेफिनेटली मैं ऐसा कुछ करता। तो यही सब मेरे पॉइंट्स थे कि अगर मैं ऐश के जम होता तो भाई मैं ऐसा कुछ करता। अब यार तुम लोग की बारी है, कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ अगर तुम लोग ऐश के जम होते तो भाई क्या जर्नी में चेंज करते, मतलब ऐश की जर्नी में क्या तुम लोग चेंज करते, और उसने क्या ऐसी चीज़ें करी हैं जो कि तुम नहीं करते, तुम उससे अलग करते, जैसे मैंने बताया बेसिकली वीडियो में, अपने पॉइंट्स बताओ। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और होपफुली तुम लोग को पसंद आई हो, कुछ अलग ट्राई किया भाई मैंने, और इस पे लाइक एम रखते हैं हम लोग 5000 लाइक्स का, चैनल पढ़ने और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।